चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा ने काफी इलाके तबाह कर दिए हैं। इस बीच प्रशासन का जोर राहत और बचाव कार्यों पर है। मौके पर तपोवन की दूसरी सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। आपदा के बाद से 26 शव बरामद हुए हैं, वही 171 अभी भी लापता है। तपोवन की टनल में करीब 100 मीटर तक टीमें पहुंच गई है, लेकिन अंदर दलदल होने के कारण मशीन में देरी हो रही है। साथ ही जिन गांवों का संपर्क त्रासदी के चलते टूट गया, वहां पर राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। मौके पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। मैंने जो रेनी गांव है जहां पर कि ब्रिज टूटा था और साथ में जो पावर स्टेशन था उसका डैम था, उसको कल जो स्वेप्ट हो गया था तो उससे काफ़ी हमें नुकसान हुआ था। उस ब्रिज के टूटने से तकरीबन 11-13 गांव जो हैं वो जो उसके अक्रॉस थे मलारी और घमसाली की तरफ, वो सब कट ऑफ हो गए हैं। और चूंकि आईटीबीपी का भारी डिप्लॉयमेंट है उस साइड में, चाइना का बॉर्डर है, तो हमने सबको अलर्ट कर दिया है, क्योंकि जो ड्रॉपिंग हो रही है राशन की और रसद सामान की वो लाटा गांव और इसमें रेनी गांव में हो रही है, तो उसको हम लोग मदद कर रहे हैं आगे फर्दर पहुंचाने के लिए। इसका हमने पूरा टाई अप कर रखा है, पूरी टीमें बांट रखी हैं। एंड दिक्कत यही है कि दो और गांव हैं वहाँ पे, जगवार और जगवार, हाँ, तो वहाँ पे वो भी उनके ब्रिज से कनेक्टेड थे, तो उनके पास कैसे जाया जाए। तो लोग तो वैसे भी ट्रॉमेटिक कंडीशन में हैं, तो हम लोग ठीक है, फ्रेश ब्लड है हमारे पास ऑलरेडी, वो संसाधन अवेलेबल है, तो हम लोग उनके पास पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में शासन प्रशासन एक्टिव मोड पर है और खुद उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और मौके पर राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ तीनों का संयुक्त प्रयास चल रहा है और नियर अबाउट 90 मीटर, 130 मीटर पर पहुंच गए हैं और 50 मीटर अभी टी पॉइंट तक पहुंचने में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5-3 घंटे लग सकते हैं। तो बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है, अपनी जान हथेली पर रख कर, और जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन वो पूरी साहस के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सर, आप प्रवास भी आज आप कर रहे हैं, कुछ मीटिंग वगैरह भी लेंगे? देखिए, अभी मैं फीडबैक लूँगा और मोटे मोटे तौर पर तो सारी जानकारी लगातार मिल रही है, लेकिन कुछ और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग अभी अधिकारियों के साथ बैठ करके और बातचीत करेंगे।